आदरणीय अभिनंदन आभार मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामे दोस्तों। ये वीडियो होने वाली बार फिर से बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग एकदम रॉकिंग वीडियो आज आप लोग फिर से लाया हूँ। तो हम आप लोग को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फ्लैट दिखाते रहते हैं, तो आज ही मैं आप लोग ये बहुत ही बेहतरीन सा शानदार और समझ लीजिए एकदम अंडर बजट आप लोगों के ये पूरा फ्लैट मैं दिखाने वाला हूँ। 2 BHK का बहुत ही खूबसूरत सा और प्राइम लोकेशन में पूरा ये फ्लैट होने वाला है और सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को आसपास मिलने वाली है। तो दिल्ली NCR के अंदर आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से ले आया हूँ DLF अंकुर विहार में समर डेवलपर पे, जहाँ पे आप लोगों को ज़बरदस्त फ्लैट की यहाँ पे वैरायटीज़ मिल जाएगी और बहुत ही रीजनेबल लोएस्ट प्राइस में, क्योंकि खुद की बिल्डिंग है, खुद ही बनवाते हैं, तो कोई कमीशन कोई ब्रोकरेज वाला यहाँ पे काम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं कहाँ की लोकेशन होने वाली है, कौन सा फ्लैट होगा, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या प्राइस पड़ रहा है, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों समर डेवलपर से आशीष से मेरे साथ आगे, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया जी, आप सुनिए कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आज की वीडियो में क्या धमाका हो रहा है, कौन सा फ्लैट दिखा रहे हैं? 2 BHK का फ्लैट दिखाने वाले, एकदम लग्जरी फ्लैट। अच्छा जी जी, और कहाँ पे लोकेशन होगा सर? ये लोकेशन रहेगी सर अपनी DLF अंकुर विहार के अंदर रेल विहार सोसाइटी में। कुछ लोगों को जैसे DLF अंकुर विहार की लोकेशन नहीं पता, तो ये लोकेशन आती है खजूरी पुस्ते रोड पर जी, नियर बाई जैसे खजूरी भजनपुरा ये सब नियर बाई है लोकेशन सारी। ओके जी, सारी मार्केट सारी फैसिलिटी, दिल्ली की सारी फैसिलिटी, बिल्कुल दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। मतलब कहा जाए तो दिल्ली से 0 किलोमीटर पे आप लोग इस एरिया में फ्लैट प्रोवाइड करते हैं DLF अंकुर विहार में। तो दोस्तों किसी भी तरह का फ्लैट चाहिए आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर अपने पास स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? स्टार्टिंग हमारे पास 1 BHK की स्टार्टिंग हमारे पास 10 लाख रुपए से लेके 13 लाख रुपए तक है, 2 BHK की 14,50,000 से स्टार्टिंग करके और 20 लाख रुपए तक है। अच्छा जी जी, इसी तरीके से 3 BHK है 24 लाख रुपए से लेके 33 लाख रुपए तक, और फाइनेंस लोन सब हो जाता है? हाँ, लोन सारा हम करवा के देंगे। सर अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन अपनी कहाँ की होने वाली है? ये लोकेशन सर हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ आती है, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, खजूरी पुस्ते रोड पर DLF अंकुर विहार के अंदर रेल विहार सोसाइटी में। ओके जी, और देखिए दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को स्टे से मिल जाएगी, तो अगर यहाँ पे ग्रिल वगैरह सारा कुछ लगा करके देंगे सर? हाँ जी, सब कुछ लगा के देंगे, जैसे लाइटिंग लगाई हुई है। अच्छा जी जी, हाँ जीने में ग्रिल वगैरह लगेगी, जीने में लाइट लगेगी, सारी चीज़ें वो सब चीज़ लगा के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए ग्रेनाइट का पूरा वर्क यहाँ पे कर रखा है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मेन फ्लोर पे और देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को एंट्रेंस होने वाली है। तो सर आज हम दिखा रहे हैं 2 BHK का फ्लैट। हाँ जी, 2 BHK फ्लैट दिखा रहे हैं। ओके जी, चलिए भाई क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को, ये देखिए टाइल्स का पूरा काम यहाँ पे कर रखा है। और ये रहेगा हमारा लिविंग हॉल। हाँ जी, लिविंग रूम है, इसमें देखिए वॉलपेपर कितना सुंदर लगाया हुआ है जी, इसमें आपको सारी चीज कंप्लीट देंगे, फैन लाइट अभी लगे नहीं है इसमें, अरे वो लगा के देंगे, मतलब फॉल सीलिंग का काम देख सकते हैं दोस्तों ऊपर कर रखा है यहाँ पर। जो फैंसी चल रहा है आजकल, झूमर टाइप लाइट चलती है जो जी, वो लाइटिंग और फैन फैंसी अच्छा। वाले सारी चीज बढ़िया क्वालिटी की लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल जी, फ्लोरिंग देखिए पूरा टाइल्स का यहाँ पे वर्क कर रखा है, डिजाइन आप लोग देखिए इस तरीके से पूरी बेहतरीन यहाँ पे मिलने वाली है। सर इसका लिविंग हॉल का एरिया की बात करूँ तो कितना बड़ा हॉल होगा ये? होगा जी 10x16। 10x16 का जी, वाओ। वॉलपेपर देखिए 3D लुक में आप लोग इस तरीके से वॉलपेपर यहाँ पे मिल जाएगा जी, बहुत ही बढ़िया। 2 BHK का काफ़ी स्पेशल देखिए पूरा आप लोगों का हाँ जी फ्लैट होने वाला है। ये देखिए हॉल में ओपन किचन रहेगी, इस पर डबल ग्रेनाइट का पत्थर यूज किया हुआ है ऊपर में। अच्छा हाँ जी, यहाँ पे देखिए पूरा मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। अरे वाह जी, यहाँ पे चिमनी के लिए स्पेस है। ठीक है जी, बाकी सारा एडिशनल सामान वगैरह रखने के लिए सारा स्पेस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कैबिनेट वगैरह शेल्फ वगैरह हाँ सारा कुछ आप लोगों को सारा दिया हुआ है, सामान रखने के लिए सब ओके प्रॉपर। और यहाँ पे देखेंगे आप टॉप पे आप लोगों को ग्रेनाइट वर्क यहाँ पे मिल रहा है, साइड में देखेंगे टाइल्स वगैरह सारा कुछ लगा रखा है, मतलब छीटा वीटा पड़े तो आप इजिली इसको क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से देखिए ग्लास वर्क किया गया है, इसके अंदर लाइट है बराबर में सॉफ्ट है, यहाँ पे RO लगा सकते हैं। अच्छा जी, RO वगैरह हम लगा के देंगे, RO गीजर चिमनी फैन लाइट सारी चीज़ लगा के कंप्लीट देंगे, मतलब कंप्लीट करके बेसिकली आप लोगों को फ्लैट दिया जाएगा, सेमी फर्निश करके फ्लैट देंगे। अच्छा जी जी, स्पेस देख सकते हैं किचन की कितनी बेहतरीन स्पेस है, 3-4 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं इसमें जी। और सर इसे इधर बात करें तो फ्रिज भी लग जाएगा? हाँ जी, साइड में ऑप्शन दिया, स्विच मेन स्विच दिए हुए हैं सारे फ्रिज के लिए, आराम से स्पेस है। ठीक है जी, एक हॉल से अटैच बाथरूम रहेगा। ये देखिए अच्छा स्पेस है इसका। अच्छा, सारी सैनिटरी फिटिंग वगैरह हम सारी चीज़ आपको कंप्लीट करके देंगे। इंग्लिश सीट की फिटिंग होगी। ओके जी, ये रहेगा दोस्तों वॉशरूम, देख सकते हैं टाइलिंग का काम इस तरीके से देखिए कर रखा है, मतलब पूरा कंप्लीट करके बेसिकली आप लोगों को दिया जाएगा, स्पेस काफ़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पर जी। बिल्कुल जी, इसके दोनों रूम जो है वो फ्रंट में है सामने की तरफ। हाँ, एक रूम में वॉशरूम अटैच रहेगा, एक बालकनी से ओपन रहेगा। ओके जी, हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ जी। सर जी,
बिल्कुल जी, ये देख लीजिए, ये फर्स्ट बेडरूम है, इसका साइज रहेगा 10x12 का। अच्छा, अभी इसमें वॉलपेपर का काम बाकी है, इस वाली दीवार पे वॉलपेपर लगेगा, ठीक वो है। सारा हम आपको कंप्लीट देंगे। ये वॉशरूम अटैच। अच्छा, ये मास्टर बेडरूम रहेगा इसमें। हाँ जी, वॉशरूम अटैच आप लोगों को देखिए इस तरीके से मिल रहा है। इसकी भी अगर स्पेस की बात करें तो अच्छी स्पेस दे रखी है, इसमें भी आप लोगों को सारी फिटिंग्स वगैरह लगा करके दी जाएंगी। ये देखते हैं इस तरीके से आप लोगों को देखिए 8-8 फिट के आप लोगों को टाइल्स यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। इसमें सर इंडियन सीट रहेगी, इंग्लिश सीट रहेगी? इंग्लिश सीट लगेगी सर। अच्छा, इंग्लिश रहेगी। हाँ जी, ओके। ये बराबर में वेंटिलेशन के लिए, ये विंडो कूलर वगैरह अपने लगाने के लिए। अच्छा, क्या बात है, मतलब इस कमरे से भी आप लोगों को देखिए वेंटिलेशन यहाँ पे मिलने वाली है। और 10x12 का कमरा देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। तो डबल बेड लगाने के बाद भी आप लोगों को स्पेस अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे सर अगर कोई वॉलपेपर लगवाना चाहे तो लगवा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, ओके, अपनी चॉइस के हिसाब से। जी ठीक, अब चलिए आपको सेकंड बेडरूम तरफ लेके चलते हैं। जी दोस्तों, 2BHK का काफ़ी स्पेशल देखिए पूरा ये फ्लैट हो जाएगा। सर कितने एरिया में बेसिकली ये फ्लैट बना हुआ है हमारा? ये 80 गज में फ्लैट बना हुआ है। अच्छा, 80 गज में रहेगा जी। बहुत ही बढ़िया, जगह की कोई कमी नहीं है। ये दिखा दे रहे हैं आप लोगों को सेकंड बेडरूम, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से ये रहेगी एंट्रेंस इसकी। बिल्कुल 10x12 का सेम साइज है और इस वाले दीवार पे वॉलपेपर लगेगा। अच्छा, सामने बालकनी है, बालकनी से ओपन रहेगा। अच्छा जी, क्या बात है। वेंटिलेशन देख सकते हैं पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होने वाली है। और ऊपर फैन वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, फैन वगैरह सारी चीज़ लगा के देंगे। जी जी, टाइलिंग का काम देख सकते हैं दोस्तों, सेम आप लोगों को टेक्सचर की टाइल पूरे फ्लैट में इस तरीके से बेहतरीन पूरी मिल रही है। जी बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हमने स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे आप एसी विंडो एसी लगवा सकते हैं चाहे स्प्लिट लगवाए। अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। सामने बालकनी है, ओके, ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है बालकनी का। अरे वाह, बालकनी में देखिए स्पेस काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, वॉशिंग मशीन रखने के लिए स्पेस अच्छा है जी। साथ में पॉइंट दिया हुआ है, ओके जी, क्या बात है। टाइलिंग का काम देखिए इस तरीके से पूरा कर रखा है, और बाहर से भी अगर आप देखेंगे फुल टाइल पूरा कर रखा है। पार्क है, सामने पार्क है। अरे वाह, पार्क में मंदिर बना हुआ है। अरे वाह जी, बहुत ही बढ़िया, मतलब बच्चों को खेलने के लिए मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए सारा आपको यहाँ पर सुविधा दे रखी है। देख सकते हैं इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की ग्रिल आप लोगों को मिल जाएगी, और ये रहेगी बालकनी की स्पेस, ये देख सकते हैं आप लोग। वॉशरूम की वेंटिलेशन आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है, और इस रूम से भी खिड़की आपको मिल रही है, वो यहाँ पर आपकी ओपन हो रही है। तो ये दोस्तों आपने देखा 2BHK का बहुत ही खूबसूरत सा स्पेशियस पूरा फ्लैट आप लोगों को मिलने वाला है समर डेवलपर की तरफ से। सर अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो क्या डिमांड है, क्या प्राइस पड़ेगा इसका? इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 17,75,000 रुपये। अच्छा, 17,75,000 का पड़ेगा। फ्रंट का ये फ्लैट है जी, ओके, बेहतरीन लुक रहने वाली है इस फ्लैट की जी। रेलविहार सोसाइटी में सबसे लग्जरी फ्लैट है। बिल्कुल बिल्कुल जी, और काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों, देखते हैं पूरा वेंटिलेटेड है, खुला खुला है, ऐसा नहीं है कोई बैक का आप लोग को मिल रहा हो, बहुत ही बेहतरीन पूरा ये रहेगा। फ्रंट की प्रॉपर्टी है, फ्रंट का फ्लैट है जी जी, और इसमें 80-95% बैंक लोन हो जाएगा। हम आपको बताएंगे सारी चीज़ आपको कंप्लीट करके देंगे। 21,000 रुपये से फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं, और जो आपकी EMI आएगी 8-9,000 के आसपास EMI आएगी आप सिर्फ जी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, किसी को भी लेना हो आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें एक सब्सिडी मिलती है 2,67,000 रुपए की। अच्छा, कोई भी GDA के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है 2,67,000 रुपए की। अच्छा जी जी, मतलब उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। 17,75,000 में से 2,67,000 रुपए माइनस हो जाएगी, मतलब मोटा मोटा मैं कहूँ तो 15 लाख के आसपास का एक फ्लैट पड़ने वाला है 2BHK का। दोस्तों दिल्ली NCR में देखिए आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पूरा आप लोगों को ये मिलने वाला है। तो किसी को भी लेना हो आप दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, सर से कॉन्टैक्ट करिए, सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, और इजीली लोन करा करके आप इसको अपना बना सकते हैं।